मानियत पर आए गीत तू ही तू जड़ा है वो आज 18 तरीक नू रिलीज़ होया है और मेरे नाल इस वेले उस गीत जिन्हें डायरेक्ट किया है पूजा सिंह गुजराल जी और मौजूद ने थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। सत श्री अकाल सारे दर्शकों नू। सो तू ही तू ले तुसी की कहना चाहते हो? रूहानियत पर आ गीत है, विक्रम जी ने गाया है, नाल ज्योति ने गाया है, की कहोगे? जी जब गाना मेरे को आया सी ते जिहड़े गाने दे लिरिक्स ने वो बहुत सेंसिटिव ते मैच्योर ने, बट जिहड़े म्यूजिक कंपोजिशन है जिहड़ी जतिंदर शाह जी दी है वो बहुत ही टचिंग ते ग्रूविंग है। तो मैनू आ सीगा कि इन्ना इदां दे लिरिक्स नू इदां ट्रीट करना समथिंग फ्रैश एंड न्यू सीगा ते यूथफुल सीगा, बिकॉज वड्डे दा कनैक्ट होंदी ने रूहानी गाणिया नाल, यूथ नू कनैक्ट करना जरूरी है, स्पैशली अगर एक मैसेज होए गाने जिहड़ा इहदे च हैगा। दैन बिकॉज इट वॉज सूफी एंड इदा दा गाना सी, उहदा ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सीगा। एक टिपिकल कमर्शियल जिहड़ा यूजुअल असी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते सी, तां मेरे दिमाग च आया कि एक तां इदा इहदे च इन्नी रूह आ कि जे असी इहनू लाइव करांगे ते होर स्वाद आऊगा। ते उही होया, असी 25 म्यूजिशियंस नू बुलाया, असी 5 कैमरा सैटअप किया है। इफ यू सी मैं 3 दिन की लाइटिंग की है इहदे विच, ते जब शूट भी कर रहे सीगे मेरी लाइटिंग भी जिहड़ी है वह म्यूजिक बीट्स ते जांदी है, जे तुसी वीडियो देखोगे वो म्यूजिकली जा रही है लाइट्स भी जिहड़े ब्लिंकर्स ने। सो एक कोऑर्डिनेशन जिहड़ी सीगी 5 कैमरा विच दे नाल दोनों आर्टिस्ट दी लाइटिंग दी वो सारी मैच होनी जरूरी सीगी, एंड म्यूजिशियंस वो बहुत इंपॉर्टेंट सीगे बिकॉज वो लाइव परफॉर्म कर रहे सी, उन्हां दी एनर्जी उन्हां दे, एंड की होंदा है जब तुसी लाइव परफॉर्म कर दे हो बंदा थक जांदा है बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग, दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। ते वो मेक श्योर करना कि असी टाइम सिर उस चीज़ नू पूरा करिए कि वो थके हुए ना लगन ते एनर्जीफुल लगे। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, काफ़ी होमवर्क रहा, जिहड़ा असी सैट भी डिजाइन किया सी उहदे मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट महीना लाया सी उहनू करन तो, जिहड़े कलर सीगे, जिहड़ी वॉल्स किदां दियां, हर वॉल ते वखरा कोई हाँ जी नुएंसेज, ते फिर जे वॉल्स दा मैं कलर्स किया सी ते अगे जिहड़े आर्टिस्ट ने वो किदां स्टैंड आउट करेंगे। ते एक्चुअली नॉर्मल जिहड़े असी वीडियो शूट करते हाँ उस तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा बिकॉज मैं कदे लाइव नहीं शूट किया सी, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए विजुअल डिलाइट है। घट ही डायरेक्टर होंगे अपने काम नू इन्ना, बट आई थिंक इट्स माई बेस्ट वर्क। तुसी कहा कि ओबियसली है ना लाइव म्यूजिक दे नाल चलदा पिया सी, आर्टिस्ट गांदा पिया सी लाइव, है ना, कि वो ही नहीं कि बस रिकॉर्ड करे या तुसी शूट कर रहे हो गाना गा के, है ना। किन्नी देर तक जान अड़ी रही कि यार हुण वधिया तरीके नाल हो जावे, प्लीज़ एंड तक खत्म हो जावे अच्छे तरीके नाल, कदों तक जान अड़ी रही? एक्चुअली यू नो बहुत चैलेंजिंग इसलिए भी सीगा जिदा तुसी कहा जान अटकी रही, बिकॉज इन्ना सूफी माहौल सीगा, इन्ना वधिया माहौल सी, सो मैं भी वो फ्लो च एक ऑडियंस बन जाती सी, यू नो आई वुड स्टार्ट इंजॉइंग इट एंड दैन रियलाइज ओ नो नो आई एम डायरेक्टिंग, सो टेक्निकली ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग। तो वो बैलेंस करना कि तुसी फ्लो च ना निकल जाओ तो तुसी डायरेक्शन ते भी अपना फोकस करो, तो वो बहुत ऑफकोर्स एक स्ट्रेस सीगा। उतो इन्ना वड्डा गाना, इन्ना वड्डा माहौल सीगा ज्योति नूरा जी सानी साहब एंड वो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने जस्टिस करना अगे जाके लोकी की कहेंगे गाने दे विच, एक सूफी गाने नू पिरोना इन द राइट वे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, एंड जब तक हो नहीं गया एडिटिंग भी मैं घट तो घट एक 40 दिन लाए ने टू एडिट दिस सॉन्ग बिकॉज देर वॉज सो मच फुटेज, क्योंकि 5 कैमरे से फुटेज भी मेरे को बहुत सी, एक एक शॉट देखिया एक्सप्रैशन जेडे सके कि यू नो, सो मज़ा आया काफ़ी। कमर्शियल जिदा तुसी पहले भी जिक्र किया कि है ना, एक कमर्शियल भी, क्योंकि अजकल देखते हैं कि कमर्शियल जो गाने ज़्यादा चलते हैं ना, सिर्फ ये नहीं कि म्यूजिक अच्छा जो बीट वाला म्यूजिक होना चाहिए या लिरिक्स कुछ जो फंकी जे होने चाहिए या फिर लोकेशन जी बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि बाहर असं शूट करिए, बट असं देखिए कि कमर्शियली ज़्यादा लोग जो अटैच होंगे या कमर्शियल चीज़ ज़्यादा लभते हैं। इस प्रोजेक्ट को करने वेले तो तुम देख रहे थे कि हाँ इसनों हर किसी नाल कनैक्ट करना है, यूथ भी कनैक्ट करना है, उस वे दिमाग के चीज़ा सी यार कि नहीं
इस नूं अज जे असीं कॉन्सेप्ट थोड़ा जिहा होर चेंज कर सकीए तो वह भी करके देख रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग तो तुसीं सोचा सी कि नहीं मैं एक इदां दा सैट बनाना जिते 5 कैमराज होणगे, लाइव म्यूजिक चलेगा, लाइव गाणगे, उही चीज़ होएगी, या फिर सोचा सी नहीं थोड़ा कुछ एक प्लैन बी भी रख दें? एक्चुअली यह प्लैन बाद च बनिया, पहला असीं यूजुअल ही सोच रहे सीगे, दैन एक सीखा कि जिहड़ा गाणा है जिदा दा माहौल है इस गाने दा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई बह के सुने, यू नो, टू गिव इट टाइम, इट्स नॉट समथिंग कि बाय द वे देख लिया स्क्रीन ते आ रहा है, तो बहुत जरूरी सीगा कि पीपल कनैक्ट होन, एंड कनैक्ट ता ही होणगे जे उत्थे उन्हां ओ वीडियो नाल कनैक्ट हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, सो उदे लई देयर वाज दिस माहौल दैट वॉज नीडिड, एंड आई दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि जिहड़ा यह लाइव माहौल होएगा, एंड आर्टिस्ट नूं उत्थे इनसाइड ऑफ एक्टिंग इफ दे आर जेन्युइनली डूइंग हाँ उस रियल चीज़ जो आएगी, क्योंकि यह रूहानी चीज़ सी, तो आर्टिस्ट भी रियल होना चाहिए, एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, सो देन वी केम टू दिस थिंग कि लैट्स मेक इट फुली रियल। पूजा अजकल दे जिहड़े नवे आप देखिए कि वीडियो डायरेक्टर्स आए हैगे आ ओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुसी पंजाबी ज़्यादा गाने देखते हो? हाँ जी बिल्कुल देखते हैं, इनफैक्ट मैं काफ़ी म्यूजिक वीडियोज़ करती हाँ, सो पंजाबी डेफिनेटली देखते हैं। होर जिहड़े कर रहे उन्होंने काम देखते हो पसंद आता है, या कौन इदा दा म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर है जिसनों तुसी जिसका काम पसंद करते हो? एक्चुअली बहुत सारे डायरेक्टर्स ने जिन्हों का काम मैनू पसंद आ, इनफैक्ट एक आदित्य दत्त ने उन्होंने हुण कीता है, उन्हों का काम मैनू पसंद है, आई इनफैक्ट ऑल्सो रियली लाइक अरविंदर खेरा जीज़ वर्क, वेरी नाइस वर्क, इमोशंस बहुत वधिया वो करते हैं, इमोशनल कनैक्ट, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने एक्चुअली, वन ऑफ माई फेवरेट वनस इज़ ऑलसो आदिल शेख हैगे, वो डांस कोरियोग्राफी वाले काफ़ी वधिया करते हैं, सो अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली, आरिफ खान ने हुण, मोहित सूरी जी ने उन्होंने एक वीडियो उन्होंने कुछ काम किया, सो आई थिंक लॉट ऑफ दैम एक्चुअली। जो तुम कोई भी प्रोजेक्ट करना होंगे डायरेक्ट करना होंगे किन्ने टाइम पहला तुसी, मतलब जो थोड़े को प्रोजेक्ट आ गया है ना उस टाइम तो थोड़े दिमाग के चलन लग पैंता अच्छा इदा इदा, या फिर पूजा सोचते कि नहीं कोई ना चल आराम हो आराम नाल असं पहले सोचांगे कि करना है, कोई ना एक दिन आराम ना बैठ के प्रोजेक्ट है जो उस बारे सोचांगे की कॉन्सैप्ट बनेगा, या फिर इंस्टेंट तो दिमाग से सारी चीज़ा शुरू हो जाए? ऑनैसली आई थिंक DNA हैगा हूँ ब्लड से है, सो द मिनट जब पहली बार गाना सुनते हैं, वैन पीपल टेल मी कि आपको गाना सुनाना है, सो वैन आई एम हियरिंग द सोंग ऑटोमैटिकली अखा बंद हो जाएं ने, एंड समहाउ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, तो मैं एक्चुअली एफर्ट नहीं करती उस वेले, मैं कोशिश करती हूँ जो मैनू नैचुरली थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज वो फिर वो बिल्कुल एप्ट होंगे ने, बिकॉज वो नैचुरली तुसी की विजुअलाइज कर रहे हो जब पहली बार कुछ सुन रहे हो, सो मैं उस गट फील नू फड़ के फिर हाँ मैं अपने आप नू एक दो दिन का ब्रेक भी देनी हाँ, वेयर आई सिट एंड जेन्युइनली थिंक कि इनू होर किदा बैटर किया जा सकता है, या जो मैं सोचा सी इज़ इट राइट नॉट राइट, कई बार मैं शाहजी नाल भी एक्चुअली डिस्कस करती हाँ, क्रिएटिवली वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन जे जिदा कि मैं कि इदा का थॉट आ रहा है, तुम्हें किदा लग रहा है, लॉट ऑफ इनपुट्स ही गिवज मी, सो या इट्स इस गाने लिए की इनपुट दी उन्होंने या की तुम सजेस्ट किया? इस गाने उन्होंने बहुत ज़्यादा इनपुट रही है, सॉरी इस गाने बहुत ज़्यादा शाहजी की इनपुट रही है, बिकॉज म्यूजिकली जिन्ना उन्हों का एक्सपीरियंस से जोड़ा उन्होंने स्ट्रेंथ है वो मेरी उन्नी नहीं हैगी, सो एज सो एंड बिकॉज इट वॉज लाइव रिकॉर्डिंग, एंड लाइक आई सैड इवन माई लाइट्स वो म्यूजिकली डिजाइन, सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शाहजी वॉज इनवॉल्व इन द प्रोसैस, इवन वैन आई वॉज डिरैक्टिंग जोड़े म्यूजिशियंस से उन्होंने किस टाइम पर किदा गाइड करना है वो एक डिरैक्टर नाल उन्होंने होना बहुत जरूरी से, सो आई थिंक इट वॉज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ शाहजी एंड माइंड दैट वी पुट दिस टूगैदर। जी आखिरी सवाल यह है क्योंकि अजकल इन्ना स्ट्रेस भरा माहौल है ना, चाहे आम इंसान हो, चाहे वड्डा आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी की लाइफ जी है स्ट्रेस ना भरी हुई है, एक आर्टिस्ट लिए पर जो एक आर्टिस्ट अपना काम लैके आए सारे अगे उसको बहुत फ्री माइंडेड होना पैदा है ना, पूजा की करते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, कि क्योंकि आइडियाज़ या जो भी तुसी इनोवेशन अभी करनी है, कुछ भी लोगों अगे लेके आना है, वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए, सो खुद को फ्रेश करने की करते? ऑनेस्टली आई लव टू ट्रैवल, सो मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देनी हाँ, वियर्ड साउंड करेगा बट मेरी एक शूट सी श्रीनगर, मैं उतों जब आई हाँ तो कोविड सडनली वध गया सी, लॉकडाउन
सैकेंड लॉकडाउन हो गया सो एंड माई पेरेंट्स आर ओल्ड तो मैं घर नहीं जाना चाहती सी सो आई क्वारंटीनड इन अ होटल मैं 14 डेज़ एक होटल में रुकी हूँ इतने चंडीगढ़ ही मैंने सारे सोचते सी कि मैं तू पागल हो गई होनी है कि तू इन्ने दिन कितना एक कमरे च कली बट मैं बहुत खुश सी आई स्वेयर मैं इन्नी खुश सी तो मेरे रूम चो ना हिल्स दिखते ने अगे तो मैं बस विंडो ते बैठ के आई वुड लिसन टू म्यूजिक एंड उस ड्यूरिंग दोज डेज आई जस्ट लिसन टू म्यूजिक आई लुक डैट जस्ट मैं आसमान नू देखती सी बस मैं नेचर नू ऑब्जर्व करती सी कुछ दिन डिस्टर्बिंग होंदे सी बिकॉज हर कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस नो ऑल्सो वट बिकॉज द सिचुएशन वॉज सच आई वुड सी एन एम्बुलेंस गोइंग एवरी टाइम सो दोज डेज आई वुड गेट वेरी डिस्टर्ब बट देन आई वुड से नो आई एम हेयर टू यू नो रिलैक्स आई नीड टू बिकॉज एक क्रिएटिव बंदे लिए जरूरी है सो आई वुड डी स्ट्रेस माई सेल्फ ऑल्सो आई ट्राई टू डू लिटल बिट ऑफ योगा मेडिटेट कुछ वधिया सुनना कुछ अच्छा देखना सो आई वुड डू थिंग्स लाइक दैट बट ट्रैवल या आई वुड आई लाइक ग्रीनरी आई लाइक नेचर असं तो यही चाहवे कि चलो वो टाइम इदा पूरा वो टाइम तो इदा का ना आए कि है ना लॉकडाउन होवे या है ना इदा की चीज़ होवे बट हाँ हर किसी को इन्ना टाइम जरूर मिल जाए कि अपने बिजी स्केड्यूल विचो अपने लिए टाइम कढ़े नेचर नाल जुड़े है ना क्योंकि नेचर नाल जुड़ेगा तो ही जी है क्रिएटिविटी निकल के आएगी सो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम टू योर सेल्फ और मैं ऑनेस्टली एम ए आई लर्न इट द हार्ड वे माई हेल्थ हैज सफर्ड अ लॉट बिकॉज आई यूज टू ओनली वर्क आई एम अ वर्कहोलिक एंड बट आई हैव अंडरस्टूड अपने आप नू टाइम देना अपनी हेल्थ नू टाइम देना अपनी फैमिली नू टाइम देना भी बहुत जरूरी है सो प्लीज़ वाइल यू वर्क इनू भी तुसी जरूर टाइम दो थैंक यू सो मच पूजा जी साडा टाइम अपना टाइम जिहड़ा है सानू दित्ता तुसी एंड जानदे हन तू ही तू दे लई तुसी की कहना चाहोगे साडे व्यूअर्स मैं ए कहांगी कि एक इदां दा गाना जिहड़ा बहुत रूहानी है तुसी मेलोडी तां तुहानू वधिया लगेगी लिरिक्स नू भी जरूर सुनियो देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग प्लीज अंडरस्टैंड इट एंड प्लीज इंजॉय लाइफ एवरी मिनट बिकॉज कल दा कुछ पता नहीं जी थैंक यू सो मच यू वेलकम सत श्री अकाल ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।